सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्कैटरिंग और क्रॉस सेक्शन, है ना। दो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। क्रॉस सेक्शन हमने डिफाइन किया था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग कैन बी डिफाइंड बाय क्रॉस सेक्शन। दो तरह के क्रॉस सेक्शन हमने डिफाइन किए थे, एक तो पढ़ा था हमने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और एक हमने पढ़ा था टोटल क्रॉस सेक्शन, है ना। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हमने लिखा था, डिफाइन किया था, डी सिग्मा अपॉन ए वैल्यू आ गई, डी ओमेगा इक्वल्स टू वैल्यू थी, वन अपॉन ए वैल्यू थी, जे इंसिडेंट आ गया और वैल्यू आ गई डी एन अपॉन ए वैल्यू आ गई डी ओमेगा, है ना। अपन लास्ट क्लास में इसके बारे में बात कर चुके हैं। जे इंसिडेंट इंसिडेंट फ्लक्स कहलाता है, डी एन डिफाइन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स विच स्कैटर्ड इन पर यूनिट सॉलिड एंगल। इस सॉलिड एंगल में जो अपने पास पार्टिकल स्कैटर होंगे, है ना, उसको हमने डिफाइन किया था डी एन से, और इसी के बेस पर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के बेस पर हमने टोटल क्रॉस सेक्शन हमने डिफाइन किया था। इंटीग्रेशन वैल्यू डिफाइन करी थी अपने, डी सिग्मा अपॉन ए वैल्यू आ गई डी ओमेगा, और डी ओमेगा जो था, है ना, वैल्यू आ गई हमारे पास है डी ओमेगा, या टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमने कुछ इस तरीके से लिखा था, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा और वैल्यू आ गई साइन थीटा डी थीटा और वैल्यू आ गई डी फाई, है ना। थीटा की जो लिमिट थी, थीटा की लिमिट वेरी करती है कहां से कहां तक, जीरो से लेके पाई तक, और फाई की जो लिमिट है वो वेरी करती है जीरो से लेके टू पाई तक, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई तीन तरह की चीजें हमारे पास आ रही हैं, एक तो आ रहे हैं हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, एक आ रहा है हमारे पास डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, और एक आ रहा है हमारे पास टोटल क्रॉस सेक्शन। तो हमने बताया था कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की वैल्यू है वो दोनों फ्रेम डिपेंडेंट होती हैं, फ्रेम पर डिपेंड करती हैं। इसी तरीके से टोटल क्रॉस सेक्शन है, ये हमारे पास क्या होता है, फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। तो दो तरह के फ्रेम हमने डिफाइन करे थे, एक तो हमने कहा था लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक हमने कहा था सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो यहां हम आज हम बात करते हैं, हमने कहा कि भाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं वो फ्रेम पर डिपेंड करते हैं, तो रिलेशन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इन जो एंगल्स थे जो स्फेरिकल अपने पास कोऑर्डिनेट्स थे उनका रिलेशन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं दोनों फ्रेम्स, लैब फ्रेम और सीएम फ्रेम में। लेबोरेटरी फ्रेम हमने कहा, एक जनरल डेफिनेशन हम कहते हैं कि भाई तीन तरह की डायरेक्शन आ गई, एक्स आ गया, वाई आ गया और वैल्यू आ गई जेड, ये हमारे पास क्या आ गया, ओरिजन आ गया। अगर ओरिजन पे हमने लिया तो ये कहलाएगी क्या, लैब फ्रेम कहलाएगी। और इसी तरीके से यदि इस ओरिजन को हम डिफाइन कर दें कहां, सेंटर ऑफ मास पर यदि हम डिफाइन कर दें तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास कहलाएगा कौन सा, सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। हमने पढ़ा भी है पहले, हम कहते हैं कि भाई इस तरीके से, यदि हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा इसके बारे में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई टू पार्टिकल सिस्टम है, सपोज दैट ये पहला पार्टिकल है, पहले पार्टिकल का पोजिशन वैक्टर हमने कह दिया, हमने डिनोट कर दिया सपोज दैट किससे, आर वन वैक्टर से, ये दूसरा पार्टिकल आ गया जिसका पोजिशन वैक्टर हमने डिफाइन कर दिया किससे, आर टू वैक्टर से, और अब हम कहते हैं यहां अगर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है, सी एम है, सेंटर ऑफ मास है, उसका पोजिशन वैक्टर हमने डिफाइन कर दिया किससे, सपोज दैट आर सी एम से, ठीक है, है ना। तो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आर सी एम जो है, है ना, आर सी एम, ठीक है। तो आप जो अपन दोनों पार्टिकल्स की पोजिशन हम डिफाइन कर रहे हैं वो किसके कोरस्पॉन्डिंग डिफाइन कर रहे हैं, ओरिजिन के कोरस्पॉन्डिंग डिफाइन कर रहे हैं। अब यदि इस सेंटर ऑफ मास से मैं इसकी डिस्टेंस में कह दूं हमारे पास कितनी है, वैल्यू आ गई आर वन डैश, और वैल्यू आ गई सेंटर ऑफ मास से इस पॉइंट की जो अपने पास डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, आर टू डैश, या पोजिशन वैक्टर हमारे पास कितना आ गया, आर वन डैश और वैल्यू आ गई आर टू डैश। तो वेक्टर आइडेंटिटी क्या कहती है, वेक्टर आइडेंटिटी कहती है कि भाई आर वन डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना, आर वन आ गया, और माइनस वैल्यू आ गई आर सी एम। इसी तरीके से आर टू डैश है, आर टू डैश है वो भी हमारे पास कितना आ गया, वैल्यू आ गई आर टू आ गया, और माइनस वैल्यू आ गई आर सी एम आ गया। पोजिशन वैक्टर हम डिफाइन करें, आर सी एम पोजिशन कैसे निकालते हैं, एम वन आर वन प्लस वैल्यू आ गई एम टू आर टू, और अपॉन वैल्यू आ गई एम वन प्लस एम टू। और अगर मूविंग पार्टिकल्स मूविंग सिस्टम की हम बात करें तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी हम निकालें, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यही फॉर्मूला बनता है एम वन वी वन प्लस वैल्यू आ गई एम टू वी टू अपॉन ए वैल्यू आ गई एम वन प्लस एम टू, ठीक है। तो इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे रिलेशन ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स या रिलेशन ऑफ एंगल्स इन लेबोरेटरी फ्रेम एंड इन सी एम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सिंपली मैंने कह दिया सपोज दैट ए कोलिजन हम कंसिडर कर लें,
टू पार्टिकल सिस्टम हमने कंसीडर कर लिया कि एक एम वन मास का पार्टिकल था, दूसरे अपने पास पार्टिकल से क्या करता है, कॉलिजन करता है। सपोज दैट ये अपने पास एम वन मास का एक पार्टिकल आ गया, मास आ गया एम वन आ गया, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। लेबोरेटरी फ्रेम की बात कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी मैंने कह दी कितनी है, वी वन एल। दूसरे पार्टिकल जिसका मास हमारे पास कितना, जिसका मास है एम टू, जो हमारे पास कैसी कैसी कंडीशन में, स्टेशनरी कंडीशन में है, इसका मतलब वी टू लेबोरेटरी फ्रेम में इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, टक्कर करता है, टक्कर करने के बाद ये तो कौन सी डायरेक्शन आ गई, इसकी इनिशियल डायरेक्शन आ गई। मैं कह दूं कि भाई एम वन जो पार्टिकल था वो अपने पास इस डायरेक्शन में चला गया, है ना, एम वन पार्टिकल था वो इस डायरेक्शन में चला गया, वेलोसिटी मैंने कह दी कितनी है, वी वन एल, और वैल्यू आ गई डैश। और इसी तरीके से दूसरा पार्टिकल है वो सपोज दैट इस डायरेक्शन में चला गया एम टू, जिसकी वेलोसिटी आ गई हमारे पास कितनी, वी टू आ गया लेबोरेटरी फ्रेम में, और वैल्यू आ गई डैश से हमने डिनोट कर दिया। सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास में हम कहते हैं कि भाई सेंटर ऑफ मास को जीरो मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हम कहते हैं, कि पहला पार्टिकल ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास है, पहला पार्टिकल इस डायरेक्शन में एम वन आ गया, दूसरा पार्टिकल एम टू इस डायरेक्शन में एम टू आ गया, इसकी वेलोसिटी हमने कह दी वी वन सी आ गया, इसकी वेलोसिटी हमने कह दी वी टू सी आ गया। ये अपने पास क्या आ गया, बिफोर कॉलिजन आ गया, है ना, और आफ्टर द कॉलिजन हमने कहा, आफ्टर द कॉलिजन एम वन जो था, एम वन सपोज दैट हमारे पास इस डायरेक्शन में निकल गया, ये एम वन आ गया, और एम टू है वो हमारे पास कौन से डायरेक्शन निकल गया, इस डायरेक्शन में आ गया, है ना, ये एम टू आ गया। एंगल जो है, ये एंगल कितना है, थीटा सी है, और ये एंगल कितना है, थीटा सी है, ये वाला जो एंगल बना, ये एंगल कितना आ गया, पाई माइनस थीटा सी आ गया, है ना। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करने के लिए। सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम क्या कहते हैं, बिफोर द रिएक्शन टोटल लीनियर मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा, इसी तरीके से आफ्टर द रिएक्शन या आफ्टर द कॉलिजन तो टोटल लीनियर मोमेंटम भी कितना होगा, जीरो होगा। तो यहां भी दोनों पार्टिकल हैं अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, यहां भी दोनों पार्टिकल हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब यदि मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं किसके लिए, लेबोरेटरी फ्रेम के लिए, यदि मैं लिखना चाहूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में डिफाइन करना चाहूं, तो फॉर्मूला कितना था, एम वन आ गया और वैल्यू आ गई वी वन, वी वन की जगह कितना आ गया, वी वन एल, प्लस वैल्यू आ गई एम टू आ गया, और वैल्यू आ गई वी टू एल, है ना। ये तो हमारे पास कौन सी फ्रेम आ गई, ये तो आ गई लैब फ्रेम, ठीक है, और ये कौन सी फ्रेम आ गई, सेंटर ऑफ मास फ्रेम आ गई, है ना, सीएम फ्रेम आ गई। ठीक है, अब हम कंडीशन बताएं, VCM की वैल्यू में डिफाइन करूं तो अपोन वैल्यू कितनी आ गई, M1 प्लस वैल्यू आ गई M2, V2L कितना है, जीरो है, दैट मींस VCM इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, कितना आ गया, वैल्यू आ गई M1 V1L अपोन वैल्यू आ गई M1 प्लस M2, इसको हमने डिफाइन कर दिया सपोज दैट इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, CM फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने क्या कहा था, थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन किया था कि वी वन सी इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी अपने पास वी वन सी इक्वल टू वैल्यू आ गई वी वन एल, और माइनस वैल्यू आ गई वी सी एम, दैट मीन्स वी वन सी कितना बना, वैल्यू आ गई वी वन एल आ गया, और माइनस वैल्यू आ गई एम वन आ गया, और वैल्यू आ गई वी वन एल अपॉन वैल्यू आ गई एम वन प्लस एम टू, या वी वन सी इक्वल्स टू वैल्यू आगे कितना बना, वैल्यू आगे हमारे पास एम टू आ गया, और वैल्यू आगे वी वन एल अपॉन वैल्यू आगे एम वन प्लस एम टू। ठीक है, इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास, सेकंड दे दी हमने, है ना। अब इसी तरीके से यदि मैं वी टू सी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, है ना, तो क्या लिख सकता हूं, इसी तरीके से वी टू सी, है ना, थोड़ा डेरिवेटिव टॉपिक है, है ना, वी टू सी इक्वल टू वैल्यू कितनी बनेगी, वैल्यू आएगी वी टू एल, और माइनस वैल्यू आ गई वी सी एम, वी टू एल कितना था, वी टू एल की वैल्यू है जीरो के इक्वल, दैट मीन्स वी टू सी इक्वल टू वैल्यू आ गई माइनस वी सी एम, माइनस वी सी एम मतलब माइनस एम वन आ गया वी वन एल आ गया, अपॉन वैल्यू आ गई एम वन प्लस वैल्यू आ गई एम टू। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर दे दें हम इसको, इक्वेशन नंबर दे दें हम इसको थर्ड आ गए। ठीक है, अब देखो अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने वी वन सी बताया और वी टू सी बताया, अगर मैं टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहूं, टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन कितना बनेगा, एम वन वी वन सी, और प्लस वैल्यू आ गई एम टू वी टू सी, वी वन सी की वैल्यू अपन यहां से पुट कर दें और वी टू सी की वैल्यू हम यहां से पुट कर दें, तो वैल्यू कितनी बनेगी, देखो वैल्यू आएगी एम वन आ गया, वी वन सी की वैल्यू रखें एम वन एम टू
वी वन एल अपॉन ए वैल्यू आ गई एम वन प्लस एम टू, इसी तरीके से वी टू सी की वैल्यू रख दें माइनस वैल्यू आ गई एम वन एम टू वी वन एल अपॉन ए वैल्यू आ गई एम वन प्लस एम टू, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, इसका मतलब टोटल मोमेंटम है वो हमारे पास कितना आ गया जीरो आ गया, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि इफ बिफोर द कोलिजन द टोटल लीनियर मोमेंटम इज जीरो देन द लीनियर मोमेंटम शुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू जीरो आफ्टर द कोलिजन। तो अगर बिफोर द कोलिजन लीनियर मोमेंटम हमारे पास जीरो है तो कोलिजन के बाद भी हमारे पास मोमेंटम कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए। इसीलिए दोनों पार्टिकल हम कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। जो स्कैटर्ड जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी हमने कह दी वी वन सी डैश कह दिया और इसके लिए इसकी वेलोसिटी हमने कह दी वी टू सी डैश कह दिया, ठीक है। तो जैसे हमने बिफोर द कॉलिजन हमने बात करी सेम इसी तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसके लिए आफ्टर द कॉलिजन, ठीक है। अब आफ्टर कॉलिजन यदि हम स्टडी करें इसको, ठीक है, तो यहां तक हमने जो सीखा क्या सीखा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपने पास टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन कितना होगा जीरो होगा, इसी तरीके से आफ्टर द कॉलिजन भी हमारे पास कितना होगा जीरो होगा, ठीक है। अब यदि मैं कहूं कि आफ्टर कॉलिजन की हम बात करें, है ना, कॉलिजन के बाद आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, तो जैसे मैंने रिलेशन कहा था, रिलेशन हमने क्या कहा था कि वैल्यू कही थी कि वी वन सी इक्वल्स टू वैल्यू थी वी वन एल और माइनस वैल्यू आ गई वी सी एम, ठीक है। कंपोनेंट फॉर्म में ये कहा था हमने, आफ्टर द रिएक्शन में क्या कह दूं वी वन सी डैश आ गया वी वन डैश एल आ गया और माइनस वैल्यू आ गई वी सी एम। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स यदि काम नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या रहेगी इनवेरिएंट रहेगी, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल दें कि भाई हमारे पास सपोज दैट कोई 5 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और अचानक वो ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होकर उसने दो एटम्स बना दिया, दो तरह के अपने पास ऑब्जेक्ट बना दिए, तो मैं कह दूं सेंटर ऑफ मास की हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी आएगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो डायरेक्शन उसकी कौन सी आएगी एक्स डायरेक्शन ही आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट ब्लास्ट हो रहा है तो ये कैसी रिएक्शन है, इंटरनल रिएक्शन है, यानी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा, तो सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आफ्टर द रिएक्शन मैंने ये कंडीशन बता दी, तो अगर मैं कंपोनेंट निकालूं ये डायरेक्शन कौन सी आ गई एक्स डायरेक्शन और परपेंडिकुलर में ये डायरेक्शन कौन सी आ गई वाई डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम इनके कंपोनेंट निकालें एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो देखो इसी इक्वेशन को मैंने लिख दिया वी वन वन एल डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई हमारे पास कितना बना वैल्यू आ गई वी वन सी डैश आ गया और प्लस में वैल्यू आ गई वी सी एम आ गया वी वन एल। पहला अगर मैं इसका कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहूं तो वैल्यू आ गई वी वन आ गया और वैल्यू आ गई लेबोरेटरी फ्रेम के लिए डैश कौन सा कितना एक्स डैश में कंपोनेंट कितना आ गया, तो हम कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं किसमें इन एक्स डायरेक्शन में, है ना। वी वन डैश एल आ गया और वैल्यू आ गई हमारे पास कितना कोस ऑफ थीटा एल वन इक्वल्स टू वैल्यू आ गई वी वन आ गया सी आ गया डैश आ गया और वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा सी आ गया, है ना, एक्स डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन थी एक्स डायरेक्शन थी, ठीक है, और प्लस में वैल्यू आ गई वी सी एम आ गया, ठीक है। और यदि मैं कंपोनेंट निकालूं इन वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालूं तो वी वन एल डैश और वैल्यू आ गई साइन ऑफ थीटा एल वन इक्वल्स टू वैल्यू आ गई वी वन सी डैश और वैल्यू आ गई साइन ऑफ थीटा सी। वी सी एम कौन से डायरेक्शन में लिया हमने एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है। जो भी हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है सपोज दैट एक को दे दिया इक्वेशन 4 और दूसरे को दे दिया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इसी तरीके से हम कंपोनेंट लिख सकते हैं किसके लिए थीटा एल टू वाले के लिए भी कंपोनेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन कितनी बनेगी, इक्वेशन आएगी वी टू एल डैश, ठीक है, एक्स डायरेक्शन वैल्यू आ गई कोस ऑफ और वैल्यू आ गई थीटा एल टू आ गया, ठीक है, और वैल्यू आ गई हमारे पास इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बना इसका कंपोनेंट निकालें कौन से डायरेक्शन में आएगा माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो वैल्यू आ गई माइनस आ गया वी टू सी डैश वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा सी आ गया और प्लस में वैल्यू आ गई वी सी एम आ गया, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से साइन के लिए हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू आएगी वी टू एल डैश और वैल्यू आएगी साइन ऑफ थीटा एल टू और इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बना वी टू सी डैश और वैल्यू आ गई साइन ऑफ थीटा सी आ गया, ठीक है। इक्वेशन 4-5 के बाद इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 6 और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 7,
ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है, है ना, रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमें रिलेशन क्या निकालना है, रिलेशन निकालना थीटा एल और थीटा सी के बीच में। थीटा एल जो है ये तो लेबोरेटरी फ्रेम में है और थीटा सी ये किस में है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अगर हम डिवाइड करें तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, डिवाइड करें तो वैल्यू आ गई हमारे पास, इक्वेशन 5 को डिवाइड किया हमने इक्वेशन 4 से, तो इक्वेशन आ गई टेन ऑफ थीटा एल वन इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बना, इसको क्या लिख दूं मैं, साइन ऑफ थीटा सी और अपॉन में वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा सी और प्लस में वैल्यू आ गई बी सी एम और डिवाइड कर दिया हमने किससे, वैल्यू आ गई वी वन सी डैश, ठीक है। सी एम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम किसी इलास्टिक कोलिजन को दी हम स्टडी कर रहे हैं, है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वी वन सी डैश की वैल्यू जो है वो हमारे पास बराबर आएगी किसके, वी वन सी के। इसी तरीके से वी टू सी डैश है उसकी वैल्यू हमारे पास बराबर आएगी किसके, वी टू सी के, है ना। दोनों लॉज हम लगाएं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दोनों से हम इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैं क्या कह दूं, यहां इसी रिएक्शन को मैं क्या कह दूं, वैल्यू आ जाएगी टेन ऑफ थीटा एल वन इक्वल्स टू वैल्यू आ गई साइन ऑफ थीटा सी अपॉन ए वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा सी प्लस वैल्यू आ गई वी वन सी और अपॉन ए वैल्यू आ गई वी सी एम। वी वन सी और वी सी एम दोनों की वैल्यू हमने शुरू में कैलकुलेट करी थी इक्वेशन टू और थ्री में, दोनों वैल्यू हम पुट कर दें तो यही रिलेशन हमारे पास कुछ ऐसा निकल के आता है, साइन थीटा सी अपॉन ए वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा सी प्लस वैल्यू आ गई एम वन अपॉन ए वैल्यू आ गई एम टू, या टेन ऑफ थीटा एल वन इक्वल्स टू वैल्यू आ गई साइन ऑफ थीटा सी अपॉन ए वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा सी प्लस में वैल्यू आ गई, इसको हमने लिख दिया किससे, गामा से, ठीक है। इक्वेशन नंबर दे दी हमने इसको इक्वेशन नंबर 8, ठीक है, है ना। टेन ऑफ थीटा एल वन इक्वल्स टू साइन थीटा सी अपॉन कोस थीटा सी और प्लस में वैल्यू आ गई गामा, गामा कितना है, गामा इक्वल्स टू वैल्यू आ गई हमारे पास एम वन अपॉन ए वैल्यू आ गई एम टू के इक्वल, ठीक है। तो यहां से देखो अब इसी तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम सॉल्व करते हैं तो यही दोनों इक्वेशन हमारे पास कुछ इन दोनों इक्वेशन सेम इस तरीके से यदि हम सॉल्व करें तो टेन ऑफ थीटा एल टू, टेन ऑफ थीटा एल टू इक्वल टू वैल्यू आती है साइन ऑफ थीटा सी, साइन ऑफ थीटा सी और वी टू सी डैश है, वी टू सी डैश है और वी सी एम अपॉन वी टू सी डैश कितना बनेगा, वन बनेगा ना, तो वैल्यू आती है वन माइनस वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा सी, है ना। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना, और वी सी एम और वी टू सी डैश दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या थी, इक्वल थी, है ना, यानी वैल्यू कितनी बनी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन ऑफ थीटा एल टू इक्वल टू वैल्यू आ गई, इसको क्या लिख दें, ट्वाइस साइन थीटा सी बाई टू और वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा सी बाई टू अपॉन ए वैल्यू आ गई वन माइनस, वैल्यू कितनी बनी, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, तो वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा सी बाई टू, वन से वन कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा सी बाई टू से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, दैट मीन्स वैल्यू आ गई टेन ऑफ थीटा एल टू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कोट ऑफ थीटा सी बाई टू, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वैल्यू आ गई टेन आ गया और वैल्यू आ गई पाई बाई टू माइनस वैल्यू आ गई थीटा सी बाई टू आ गया, दैट मीन्स रिजल्ट आ गया हमारे पास रिजल्ट यहां से कैलकुलेट हो गया, रिजल्ट हमारे पास निकल के आ गया टेन ऑफ थीटा एल टू था तो थीटा एल टू की जो वैल्यू है वो वैल्यू आ गई पाई बाई टू माइनस वैल्यू आ गई थीटा सी अपॉन वैल्यू आ गई टू, जो भी हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है सपोज दैट दे दी हमने इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। अब यदि हम कहते हैं कि जो दोनों पार्टिकल कोलिजन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, अगर दोनों के मासेज इक्वल हैं, अगर दोनों के मासेज इक्वल हैं, यानी मैं कहता हूं कि इफ कंडीशन क्या हो, अगर m1 इक्वल्स टू m2 हो, इफ m1 इक्वल्स टू m2 है तो दैट मीन्स गामा इक्वल्स टू वैल्यू कितनी बनेगी, गामा इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 के इक्वल, दैट मीन्स टेन ऑफ थीटा l1, टेन ऑफ थीटा l1 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई साइन थीटा c अपॉन ए वैल्यू आ गई वन प्लस कोस ऑफ थीटा सी, या इसी इक्वेशन को हम और सॉल्व करें तो वैल्यू आ गई टेन ऑफ थीटा एल वन इक्वल्स टू वैल्यू आ गई साइन ऑफ थीटा सी को क्या लिख दें ट्वाइस साइन थीटा सी बाई टू और वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा
सी बाई टू है ना, डिवाइडेड बाई वैल्यू आ गई वन प्लस, वैल्यू आ गई वन प्लस, इसको क्या लिखते हैं ट्वाइस कोस स्क्वायर थीटा सी बाई टू माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स टेन ऑफ थीटा एल वन इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बना, वैल्यू आ गई टेन ऑफ थीटा सी बाई टू, दैट मीन्स कंपेयर कर दें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनी, थीटा एल वन इक्वल्स टू वैल्यू आ गई थीटा सी बाई टू, इक्वेशन नंबर दे दें हम 10. तो अगर दो पार्टिकल हैं उनके मासेज अगर सेम हैं और वो यदि इलास्टिक कोलिजन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास कितना बना, देखो थीटा एल वन इक्वल टू वैल्यू बनी थीटा सी बाई टू और थीटा एल टू इक्वल टू वैल्यू आ गई पाई बाई टू माइनस थीटा सी बाई टू. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके नेट में और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है. इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या कह सकता हूं, थीटा एल वन प्लस में वैल्यू आ गई थीटा एल टू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड करें तो कितना बना, थीटा सी बाई टू थीटा सी बाई टू कैंसिल हो गया, यानी वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई टू. दैट मीन्स इफ टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस गेट कोलाइड विद ईच अदर देन आफ्टर द कोलिजन दे विल स्कैटर्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना. अगर दोनों एटम जो कोलिजन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं अगर उनका मास अगर सेम है, मास सेम है तो आफ्टर स्कैटरिंग या आफ्टर कोलिजन है दोनों पार्टिकल हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव करेंगे. यही था हमारे पास, यानी हमने यही कहा था लेबोरेटरी फ्रेम में, एम वन पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था, एम टू पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये एंगल हमने बताया था थीटा एल वन और ये एंगल हमने बताया था थीटा एल टू. रिजल्ट क्या बना, थीटा एल वन प्लस थीटा एल टू इक्वल टू वैल्यू आ गई पाई बाई टू, दैट मीन्स बोथ द पार्टिकल्स या द पार्टिकल्स मीन्स कम आउट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में. बहुत बहुत धन्यवाद.